Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8 physics, chapter 13 sound. सो अगर साउंड के बारे में देखें तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है आवाज है कि जब आप सुबह उठते हो ठीक है और रात को सोने तक आपको कितनी सारी आवाजें सुनाई देती है अपने चारों तरफ. जैसे अगर बात करें तो जो साउंड होता है ऑफ द थंडर, थंडर मतलब कि जब बिजली कड़कती है ना तो उसका जो साउंड होता है आपने देखा है वो कितना लाउड होता है. ओके कितना लाउड मतलब बहुत तेज होता है. अदर हैंड देखें तो जो रसलिंग होता है ऑफ द लीव्स, रसलिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है पत्तियों की सरसराहट. तो जब बहुत ही धीमी हवा चलती है उस वक्त जब पत्तियां एक दूसरे से टकराती हैं तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम पत्तियों की सरसराहट कहते हैं. वो जो साउंड होता है वो कितना सॉफ्ट होता है. ऑन अदर हैंड अगर आप देखोगे तो जब विसल, आपके स्पोर्ट्स टीचर जब विसल बजाते हैं तो वो जो साउंड होता है वो बहुत श्रिल होता है. श्रिल का मतलब होता है बहुत ही तीखी आवाज, बहुत ही पतली और तीखी आवाज. सो जनरली आपने देखा होगा कि जब जो गर्ल्स होती हैं ठीक है व्हेन दे रीच एट देयर टीनेज, तो वहां पर जो उनकी आवाज होती है वो बहुत पतली और तीखी हो जाती है ऐसे करके. ओके बट ऑन अदर हैंड जो बॉयज होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो बहुत भारी हो जाती है. अगर हम ड्रम को बजाते हैं ऑन अदर हैंड तो आपने देखा होगा ड्रम की जो आवाज होती है वो बहुत भारी आती है, डल सी आती है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द विसल एंड द बीटिंग ड्रम. ऑन अदर हैंड कुछ जो आवाजें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं आपको सुनने में. जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, गिटार कोई बजा रहा है आपको वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. और अगर आप देखेंगे तो कोई अगर बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजा रहा है तो वो सुनना आपको अच्छा नहीं लगता है. कोई आप पे शाउट कर रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता आपको. ओके जो ड्रिल मशीन का साउंड होता है, जो आपके मिक्सर का साउंड होता है वो हमें उतना प्लीजेंट नहीं लगता है. अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो थंडर है बिजली कड़कने की जो आवाज है वो लाउड है, रसलिंग ऑफ लीव्स की आवाज सॉफ्ट है, विसल की आवाज श्रिल है, ड्रम की आवाज डल है. सो ये जो डिफरेंट साउंड्स हैं ये इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसीलिए जो डिफरेंट साउंड्स हैं वो आपको अलग अलग सुनाई देते हैं. मम्मी की आवाज सुनते हो तो आपको पता चल जाता है ये मम्मा बोल रही है, पापा बुलाते हैं आपको तो आपको समझ में आ जाता है पापा बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों की आवाज अलग अलग है. अलग क्यों है? क्योंकि डिफरेंट साउंड्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. और इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही अलग अलग साउंड के हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये किस चीज का साउंड है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर साउंड ना हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं, अगर साउंड नहीं होता तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते और कोई बात ही नहीं हो पाती. और सोच के देखो जब आप अपनी फीलिंग्स किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो लाइफ जो है वो बहुत ही बोरिंग सी हो जाती है. इवन हम तो जब बोलते हैं ठीक है, या आपसे कोई बोलता है तो आप वो आवाज सुन सकते हो, बट बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं साउंड के थ्रू. तो आपने देखा होगा कि जब किसी गाय का बछड़ा उससे बिछड़ जाता है तो वो आवाज निकाल के अपने मम्मा को पुकार रहा होता है ठीक है. और बहुत सारे एनिमल्स जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो साउंड जो है वो हमको सुनाई नहीं देता, बट वो साउंड जो होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. तो वी विल डिस्कस दैट कि कुछ साउंड्स आपको क्यों सुनाई देते हैं और कुछ साउंड्स आपको क्यों नहीं सुनाई देते हैं आपके चारों तरफ. इन द सेम वे आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है या बहुत जोर से बिजली कड़कती है सो उस वक्त जो आपकी खिड़कियां होती हैं ठीक है वो रैटल करने लगती हैं, वो बजने लगती हैं. ओके लाउड थंडर में, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज साउंड, ओके सो साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है. मतलब साउंड क्या है? एनर्जी है. जैसे कि लाइट एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. ओके जैसे आपके हीट एनर्जी है, इन द सेम वे साउंड भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है. सो एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी होता है वो आप देख नहीं सकते. एनर्जी जो होती है वो आपको हेल्प करती है किसी भी काम को करने में. तो अगर साउंड की बात करें तो साउंड एक ऐसा एनर्जी है जो कि हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से, बात करने में एक दूसरे से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. ओके अब मान लो कि आपके घर में जो स्पून है ठीक है वो आपके स्पून होल्डर में रखा हुआ है, तो क्या वो स्पून साउंड करते हैं? नहीं. बट जैसे ही जाके आप स्पून निकालते हो तो सारे स्पून एक दूसरे से टकराने लगते हैं और वहां पे आवाज होने लगती है.
ठीक है, या फिर स्पून मान लो आपके हाथ से गलती से नीचे गिर गया तो वो जाके जमीन के संग टकराता है और वहां पे आवाज होने लगती है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जब दो स्पून्स टकरा रहे हैं या फिर स्पून जमीन के संग टकरा रहा है, तो इसका मतलब जब दो चीजें एक दूसरे के संग कोलाइड करती हैं तो वहां पे आवाज प्रोड्यूस होती है। मंदिर में जाते हो तो मंदिर में बेल होती है ना, वो बेल जो है वो लटकी रहती है, कोई आवाज नहीं कर रही है, बट जैसे ही आप उसको स्ट्रक करते हो, ठीक है, तो जो मंदिर जो बेल का जो सेंटर पार्ट होता है वो जाके उसके आउटर पार्ट से स्ट्रक करता है, और क्योंकि वहां पे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और इसीलिए वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, इन द सेम वे यू कैन डू वन एक्सपेरिमेंट। व्हाट यू हैव टू डू हियर, सो इस एक्सपेरिमेंट में ये एक रबर बैंड है, ठीक है, ये यहाँ बुक पे रखा हुआ है एज यू कैन सी, तो ये फिक्स पोजिशन पे है अपने और यहाँ पे इससे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब आप क्या करेंगे, आप एक कोई भी रबर बैंड ले लीजिए, अपनी दो फिंगर्स के बीच में ऐसे उसको करना है आपको, एंड यू हैव टू स्ट्रेच एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो जब आप स्ट्रेच करेंगे तो जो रबर बैंड है वो टाइट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसको प्लग करना है। ओके, सो जैसे ही आप उसको ऐसे प्लग करेंगे, सो एज यू कैन सी हियर, एज एंड व्हेन आई एम प्लगिंग द रबर बैंड, सो यहां पे ये जो पोजीशन है रबर बैंड की अभी, ठीक है, दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन। ओके, बट जब मैं उसको प्लग करती हूं तो जो रबर बैंड है वो अपने फिक्स पोजीशन से मूव कर रहा है, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ती हूं ना, तो आप देखना है थोड़ी देर के लिए जो रबर बैंड है वो आपको हेजी दिखाई देता है, धुंधला, क्यों, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज टू फ्रो आगे पीछे अपने फिक्स पोजीशन से जब आगे की तरफ आती है और फिर अपने फिक्स पोजीशन से पीछे की तरफ जाती है, तो जब कोई भी चीज ऐसे आगे पीछे मूव कर रही है ना, तो इसी को हम टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं, और यही जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। सो अभी यहां पे देख रहे हो कि फिक्स पोजीशन पे है, ठीक है, यहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा टू एंड फ्रो, मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं है। जैसे मैं इसको प्लग करती हूं तो उस केस में जो रबर बैंड है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे मूव हो रहा है, तो आगे पीछे मूव होने के कारण वहां पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और इस वाइब्रेशन के कारण क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है, वहां पे जो स्पून जो था वो स्पून होल्डर में रखा था, क्यों नहीं साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, स्पून आपके स्लैब पे रखा था, क्यों नहीं साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, बट जैसे ही स्पून आपके हाथ से नीचे गिरा वो जमीन से टकराता है, साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने के कारण क्या होता है, वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहां से, फ्रॉम इट्स फिक्स्ड पोजीशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन पे है अपने और उसमें कोई टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा तो वहां पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बट जब वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन, आगे पीछे मूव करेगा रैपिडली, जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा उतना तेज साउंड प्रोड्यूस होगा, और इसी टू एंड फ्रो मूवमेंट को वाइब्रेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन द सेम वे जो गिटार होता है, ठीक है, गिटार में जो आपके वायर्स होते हैं वो वायर्स जो होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं, आपको वो दिख जाएंगे आराम से, गिटार के जो वायर्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हो गिटार है, ठीक है, ये गिटार के स्ट्रिंग्स हैं। अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, आपको एग्जैक्टली दिख रहा है ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये जिस पोजीशन पे हैं अभी उसको हम कहते हैं फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू जस्ट स्ट्रक ऑन दीज वायर्स, सो उसके कारण क्या होगा, ये जो वायर्स हैं वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, और टू एंड फ्रो मोशन होने के कारण उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रक द वायर, सो जैसे ही मैं स्ट्रक करती हूं तो ये जो वायर है ये क्या हो रहा है, अपने फिक्स्ड पोजीशन से मूव कर रहा है, ठीक है, अब मूव कर रहा है तो आप देखोगे ये आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, मतलब अगर ये इसकी फिक्स्ड पोजीशन है तो ये इधर भी मूव कर रहा है इधर भी मूव कर रहा है, ठीक है, और इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के कारण क्या हो रहा है, यू कैन हियर द साउंड, ठीक है। तो जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, जैसे रबर बैंड में भी आपने देखा था, ठीक है, तो जब वो फिक्स पोजीशन पे होती है तब तो वो आपको क्लियर दिखेगी जो भी वो ऑब्जेक्ट है, जैसे रबर बैंड या फिर जो स्ट्रिंग है, बट जैसे ही आप उसको वाइब्रेट करोगे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, ठीक है, तो वो हमको क्या दिखती है, थोड़ी सी हेजी दिखती है। हेजी मतलब जब वो तेज तेज वाइब्रेट कर रही है ना बहुत, तो वो धुंधली सी दिखती है थोड़ी सी हमको, ठीक है। सो यही होता है जिसके कारण की साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि गिटार में साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, तो गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो मोशन करते हैं उसके कारण वहां
साउंड प्रोड्यूस होता है. इन द सेम वे आप क्या करो, यहाँ पे फ्राइंग पैन है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो फ्राइंग पैन है उसको किसी कील से हैंग करो, और जब आप कील से हैंग कर रहे हो तो आसपास दीवार नहीं होनी चाहिए. और उसके बाद क्या करना है, उस फ्राइंग पैन पे आपको जोर से किसी चम्मच से मारना है. तो जैसे ही आप मारोगे तो आप देखोगे कि वो फ्राइंग पैन जो है उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, सो जैसे ही आप उस पर स्ट्राइक करोगे चम्मच के साथ जोर से, तो वहां पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. अब साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, क्योंकि जब जैसे ही आपने उस पर स्ट्राइक किया तो जितना जोर से स्ट्राइक करोगे ना, तो वहां पर जो वाइब्रेशन है वो उतना फास्ट होगा, और जितना फास्ट होगा वाइब्रेशन उतना तेज साउंड प्रोड्यूस होगा. आप क्या करो, अपनी पहले फिंगर से स्ट्राइक करके देखो, तो जब आप अपने हाथ से स्ट्राइक करोगे तो उतना जोर से आप स्ट्राइक नहीं कर रहे हो तो बहुत धीमा साउंड प्रोड्यूस होगा, बट चम्मच से जब स्ट्राइक करोगे जोर से तो वहां पे बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होगा. क्यों, क्योंकि जितना तेज स्ट्राइक करते हैं उतना तेज वाइब्रेशन होता है ऑब्जेक्ट में, और वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑब्जेक्ट में, और इसी के कारण उतना तेज साउंड प्रोड्यूस होता है. लेबोरेटरी में जब आपके आपके टीचर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि लेबोरेटरी में देयर इज अ ट्यूनिंग फोक, ठीक है, ये ऐसा होता है, ये हैंडल होता है और इसका ये प्रोंग होता है, ठीक है, तो ये जो प्रोंग होता है इसको क्या करते हैं, हैंडल से पकड़ के और प्रोंग को एक रबर पैड होता है उस पर बहुत जोर से मारते हैं. तो जैसे ही मारेंगे और ये ट्यूनिंग फोक फिर आपको अपने कान के पास लेके आओगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है, बट जब आप इसको देखोगे ना मारने के बाद, तो ट्यूनिंग फोक आपको देखो इनके प्रोंग्स को देख के लगेगा कि इतनी जोर से मारा है बट ये हिल तो नहीं रहा है, वाइब्रेशन मुझे दिख नहीं रहा है इसमें तो, ओके, बट इसमें वाइब्रेशन हो रहा होता है. वो हमें कैसे पता चलेगा, सो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बोल लेना है उसमें पानी डालना है. ऐसे रबर पैड से इसको स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने के बाद हमके इसको ट्यूनिंग फोक को लाके पानी के सरफेस पे इसको टच करवाना है. तो क्योंकि ये प्रोंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो जो पानी है उसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा. ओके, सो इससे हम पता कर सकते हैं कि ट्यूनिंग फोक में से साउंड इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जैसे ही हमने उसको रबर पैड से स्ट्रक किया तो वहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस हुआ है. गिटार में तो जो साउंड होता है वो जब स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं उसके कारण प्रोड्यूस होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो तबला होता है, ठीक है, या फिर जो ड्रम होता है उसमें स्ट्रिंग्स नहीं होते, उसमें क्या होती है, स्ट्रेच्ड स्किन होती है, या फिर आप उसको मैम्ब्रेन भी कह सकते हो. तो जो ड्रम होता है या फिर तबला होता है उसमें स्ट्रेच मैम्ब्रेन होती है, और उसके कारण जब उस पर मारते हैं आप तो मारने के कारण वो जो मैम्ब्रेन है वो अपने फिक्स पोजिशन से वाइब्रेट करती है और उसके कारण वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है. इन द सेम वे आपने देखा होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें फूंकते हो आप, ठीक है, जिनमें हवा अंदर भरते हो तो उसके कारण वहां साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे आपने बांसुरी देखा होगा, बांसुरी में फूंकने से साउंड प्रोड्यूस होती है. सो उसमें क्या होता है, वहां पे जो एयर कॉलम्स होते हैं, ओके, वो जो एयर के, जैसे आप फूंकते हो ना तो आपने देखा उसमें कुछ होल्स होते हैं, तो जब फूंकते हो तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के कारण वहां पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. सो तबला और ड्रम में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है बाय स्ट्राइकिंग द स्ट्रेच्ड स्किन. बांसुरी होता है उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम, और जो गिटार है उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स. ओके, इन द सेम वे अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपके पास बांसुरी नहीं है, तो आप क्या करो कि एक खाली बॉटल ले लो और खाली बॉटल पे अपना जो लिप है उसको रख के और सीटी बजाने की कोशिश करो. ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें हवा मारोगे ना खाली बॉटल में तो आपकी आवाज जो है वो वहां पे ऐसा लगेगा जैसे सीटी बज रही है, विसल बज रही है. सो क्यों हो रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो एयर कॉलम है जो बॉटल में हवा भरी हुई है वो आपके फूंक मारने से वाइब्रेट करती है और उसके कारण वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. वो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हमें एक चीज पता चल गई कि साउंड एनर्जी का फॉर्म है और ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बट एक और चीज है कि जो साउंड है उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए. आइदर इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड और इट कैन ट्रेवल थ्रू द लिक्विड एंड इट कैन ट्रेवल थ्रू द गैस. तो जब वो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैं बोल रही हूं, ठीक है, और आप मेरे सामने खड़े हो, तो साउंड मेरे पास से आप तक जो ट्रेवल करता है वो कैसे ट्रेवल करता है. सो साउंड ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव्स. ओके, अब वेव्स क्या होती है, सो दिस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.